दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाटा AIG का इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा, उसका फुल डिस्क्रिप्शन दूंगा, क्या उनके टर्म कंडीशन में है, क्या वो प्लान दे रही है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि टाटा AIG जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो एक हेल्थ इंश्योरेंस है। मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस मतलब कभी आप बीमार पड़ते हो तो हॉस्पिटल में जो भी पैसा रहेगा उसका वो टाटा AIG भरे कवर करेगी। वो सारा सारा चीज़ टाटा AIG ही भरेगी। और उसके लिए दोस्तों, आपको दो बेनिफिट जो टाटा ने बताया है टाटा इंश्योरेंस में टर्म कंडीशन में है, आपको कौन से भी हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो, या तो वो रजिस्टर्ड हो, या जो टाटा टाटा ग्रुप के साथ जो हॉस्पिटल ने टाइप किया है, और दूसरा कि जो टाइप नहीं है, आप उन हॉस्पिटल में भी जाके एडमिट हो सकते हो और अपना इलाज करा सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं, बेनिफिट के बारे में बातें करते हैं और जानते हैं इस इंश्योरेंस के बारे में। तो सबसे पहला है ये कि ये जो इंश्योरेंस है वो 18 से 55 लोग ले सकते हैं, 18 से 55 तक लोग ले सकते हैं। और बता दूं कि दोस्तों, ये फ्लैट प्रीमियम अप टू 55 ऑफ एज है। मतलब कि इसका जो प्रीमियम है वो एक कांस्टेंट है, मतलब कि इसका जो प्रीमियम है वो 7,605 रुपये का। और जिसने भी ये प्रीमियम लेता है, ये जो भी ये लेता है, तो उनको 18 से 55 तक सेम प्रीमियम आएगा, उनको एज के हिसाब से बढ़ेगा नहीं, ऐसा ये इंश्योरेंस में कहा गया है। इंश्योरेंस में कहते हैं कि जैसे कि एज के हिसाब से प्रीमियम रहता है, एज के हिसाब से हमने को भरना पड़ता है। जैसे कि मेरी एज 30 साल है तो 30 साल वाले को अलग है, और 40 साल वाले के लिए अलग है, और 45 साल के लिए वाले अलग है। तो ऐसा इन्होंने कहा है कि आपको सेम प्रीमियम भरना पड़ेगा, 7,605 रुपये ऐसा बताया गया है। तो उसके बाद दोस्तों, आपको बता दूँ कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है, जो फीचर्स है। तो नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हॉस्पिटल रूम्स रेंट एंड कैटेगरी। तो मतलब आपको बोला गया है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोई भी हॉस्पिटल में जा सकते हो। आप लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल में तो है ही जा सकते हो, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके चाहे उनके साथ जो टाइप है उसमें भी जा सकते हो, और जो टाइप नहीं है उनमें भी जा सकते हो। और आपको रूम कैटेगरी नहीं डिसाइड किया गया है कि आपको कौन रूम कैटेगरी में जाना है। लाइक जैसे कि आप एसी रूम में हो, नॉर्मल एसी रूम में, लेकिन आप डिलक्स में भी जा सकते हो, सुपर डिलक्स में भी जाते हो, तो उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से जाइए। नहीं तो बहुत इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको रूम कैटेगरी डिसाइड कराया रहेगा कि आपको पर डे इतना रुपये उस मतलब उतना खर्चा करने उतना ही मिलेगा। लेकिन इस इंश्योरेंस में कहा गया है कि आप कोई भी रूम में जा सकते हो, चाहे आप डिलक्स में सुपर डिलक्स में, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों बताया कि नो मेडिकल टेस्ट रिक्वायर। तो ये जो बोल रहे हैं कि आपको ये इंश्योरेंस लेने के पहले कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हो बिंदास। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया, लेने के बाद अगर आपको गहरी बीमारी है, जैसे सर्जरी होगी, किडनी की होगी, लीवर की होगी, ऑपरेशन जैसी नौबत आ जाती है, तो वो चीज़ कवर नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में ये जो प्लान है वो एक हेल्थ कवर प्लान है। और कोई भी कंपनी दोस्तों प्लान लेते ही मतलब एक साल के अंदर कोई भी आप बड़ा ऑपरेशन नहीं करा सकते। तो ध्यान रखिए कि जो इंश्योरेंस ले रहा है ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं करा सकता। आफ्टर 2 साल के लिए 1.5 साल तक का इनका ये इशू रहता है, 2-1.5 साल के बाद आप बड़ा ऑपरेशन करा सकते हो। उसके बाद दोस्तों बता दूँ कि इन्होंने एक और चीज़ कहा है कि अस्थमा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज कवर फ्रॉम 31 डेज। मतलब कि अगर आप ऐसा लगभग बीमारी ऐसी है, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज़ का, और फिर अस्थमा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बीमारी है, तो वो 31 फर्स्ट डे से कवर होगा। मतलब कि समझ लीजिए कि अगर आज 1 तारीख है तो अगले 1 तारीख से आपका चालू हो जाएगा, एटलीस्ट 1 महीने बाद चालू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सब लोग इंश्योरेंस लेते हैं, सोचते हैं कि आज हमने ले लिया कल से चालू हो गया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको रुकना पड़ेगा कुछ टाइमों के लिए, एटलीस्ट 1 महीना। उसके बाद दोस्तों इन्होंने हमने को बेनिफिट क्या दे रही है, मतलब की बेनिफिट क्या दे रही है, तो दोस्तों वीडियो में पूरी पूरी देखना, नहीं तो आप बीच में चले जाओगे तो उठ के तो आपको समझ नहीं पाएगा इंश्योरेंस के बारे में। तो उसके बाद बताया है कि इन पेशेंट ट्रीटमेंट मतलब होता है कि दोस्तों समझ लीजिए कि आप क्या बोलते हैं, आपने इंश्योरेंस ले लिया, आपका तो इंश्योरेंस जो है 31 फर्स्ट डे से कम शुरू होने वाला है। अगर आप 30 दिन के बाद आपको कुछ भी होता है
बीमारी हो जाता है, डेंगू मलेरिया ऐसी बीमारियाँ होती है, टाइफाइड होता है, तो वो सब 31 डे के बाद ही कवर होगी। और कवर ये होगी कि आपको 24 घंटे से ऊपर एडमिट होना पड़ेगा, मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इतना आपको इतना दिन एडमिट रहना पड़ेगा तभी ये कवर करेगी। नहीं तो आप क्या करोगे, सुबह जाओगे और शाम को रिटर्न आ जाओगे, तो वो चीज़ कवर नहीं होने वाली है। आपको अगर प्रीमियम का बेनिफिट लेना है तो आपको पूरा 24 घंटे के मतलब एटलीस्ट 2 दिन रहना पड़ेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद दिया है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री का मतलब होता है कि अगर आपको एडमिट होने से पहले कोई आप इलाज करा रहे हो, मतलब टेस्ट करा रहे हो, तो उसके वो भी कवर किया जाएगा इंश्योरेंस में। और डिस्चार्ज होने का मतलब पोस्ट एंड हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि अगर आप डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से तो आपको 60 दिन तक का कवर किया जाएगा जो भी आपके खर्चे हैं, तो बहुत काफ़ी बढ़िया है। और ये जो है हॉस्पिटल कैसा हो गया दोस्तों, आजकल बहुत ही महंगा हो गया, उसके इलाज भी महंगे हुए। छोटे मोटे जो सर्जरीज हो गए हैं, लाइक जैसे कि मतलब कि मतलब मैं कह आपको बता दूं कि छोटे मोटे ऑपरेशन, जैसे कि आपको एडमिट करके कुछ हाथ का ये ऑपरेशन करना है, तो वो सब के लिए आपको एक दिन के खर्चे कुछ 70,000 हो जाते हैं, 1,00,000 हो जाते हैं। नॉर्मल बस एक आप गिर गए या एडमिट हो गए या कौन से भी हॉस्पिटल में कोई डेंगू मलेरिया हो जाता है, तो आपका लगभग मेरे ख्याल से 50,000-35,000 रुपये से ऊपर ही खर्चा हो जाता है। तो इंश्योरेंस दोस्तों ले लेना चाहिए मैं तो बोलता हूँ, लेकिन आपको लेने से पहले बहुत सारे बेनिफिट देख लेना चाहिए और क्या इसमें नहीं है वो भी देख लेना चाहिए, जो हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। डे केयर प्रोसीजर मतलब होता है दोस्तों कि अगर दिन में होने वाले कोई भी छोटे मोटे सर्जरी बोल सकते हैं या फिर छोटे मोटे ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, वो आपको कवर करके दिया जा रहा है। मतलब 540 जो ट्रीटमेंट है वो भी कवर होंगे, लेकिन उसके कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया फिलहाल इसमें, वो तो आपको कैटलॉग में बताया जाएगा जब आप इंश्योरेंस ले लोगे, उसमें वो बताते हैं। उसके बाद बताया डोमिसिली ट्रीटमेंट, मतलब कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है, बेड ना मिलने के कारण क्या है आप परेशान रहते हो, अरे हमको बेड नहीं मिलेगा तो ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा, तो आप घर रहते भी ट्रीटमेंट पा सकते हो। अगर ये आपके पास टाटा AIG का इंश्योरेंस है तो आपको घर बैठे भी अगर कोई आपका ट्रीटमेंट चलता रहेगा तो वो कवर करेगी। मतलब कि दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या कवर होगा, अगर आप बीमार होते हो और सेम बीमारी आपको 3 दिन से लगातार है, तो उसका जो ट्रीटमेंट का पैसा दिया जाएगा, ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, ट्रीटमेंट का पैसा दिया जाएगा दोस्तों, तो ध्यान सुनिए, ट्रीटमेंट का पैसा दिया जाएगा, ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा आपको, क्योंकि इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस ही पैसा देती है, कोई आके आपको ट्रीटमेंट नहीं देती है। फैमिली ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट, मतलब कि अगर आपके चाचा मामा काका कोई भी अगर बाहर है और आप हॉस्पिटल में हो, तो अगर वो आपको हॉस्पिटल में मिलने के लिए आते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, मतलब कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट का जितना भी खर्चा रहेगा, अब कितना खर्चा दिया जाएगा ये कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ, अमाउंट डिसाइड नहीं हुआ है दोस्तों। और उसके बाद बताया ऑर्गन डोनर, अगर समझ लीजिए कभी आपको मतलब कि किडनी लीवर का और ऑर्गन डोनर का कुछ ऐसा आ गया तो वो भी कवर करके दिया जाएगा, कितना खर्च तक किया जाएगा वो नहीं पता है, वो बताया भी नहीं है दोस्तों इसमें। और बता दूं कि आपको ऑर्गन डोनर्स में जो आप हो और आपका जिससे आप ले रहे हो या डोनेट कर रहे हो या डोनेट मतलब कि जो आपको दे रहा है, तो दोनों के खर्चे कवर किए जाएंगे। उसके बाद बताया गया एम्बुलेंस कवर, दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आप अर्जेंट बीमार हो जाते हो और अर्जेंट में आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, तो हॉस्पिटल लेके जाने में आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो एम्बुलेंस भी आपको कवर रहेगा, लेकिन आपका जो प्रीमियम है, मतलब समझ लीजिए 500,000 का प्रीमियम है, तो आपको 5,000 तक का कवर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 500,000 में से 1% का, मतलब 500,000 का 1% कितना होता है 5,000 रुपये, मतलब 5,000 तक का आपको एम्बुलेंस कवर दिया जाएगा लगभग। उसके बाद रीस्टोर बेनिफिट, दोस्तों रीस्टोर बेनिफिट होता है कि जैसे कि लाइक आपको 6 महीने के अंदर आप बीमार पड़ जाते हो, 1 महीने 2 महीने कभी बीमार पड़ जाते हैं, तो आपके 500,000
पूरे नील हो जाते हैं, मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि मेरे 5 लाख तो चले गए, अब क्या होगा। तो ये बेनिफिट देते हैं कि 6 महीने के बाद आपको वो बेनिफिट रिस्टोर, वही बेनिफिट आपको सेम मिल जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं जो कि इसमें नहीं बताया गया है। लेकिन आपको कोई भी अलग बीमारी होती है तो वो भी कवर करके दिया जाता है। और आपको बता दूं कि सेम बीमारी अगर हो गई, मतलब अगर मेरे को डेंगू हुआ तो वापस से डेंगू हुआ तो उस बीमारी के लिए आपको 45 डेज़ के लिए रुकना पड़ेगा, वो तुरंत बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको बताया गया है नर्सिंग अलाउंस में क्या होता है कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कोई कोई पेशेंट घर जाने के डिस्चार्ज होने के बाद उनको नर्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि लाइक ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ता है और अदर उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ 100 रुपये डिसाइड किया है पर डे, मतलब 15 दिन के लिए बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको 100 रुपये तक का बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों एक बेनिफिट और दिया गया है कि इसमें आपको क्या बेनिफिट दिया गया, आयुष कवर में दोस्तों बताया गया है कि दिस कवर एक्सपेंस, मतलब कि इस कवर में आपको आयुर्वेदिक रिलेटेड ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये जो टाइप, जो हॉस्पिटल टाइप है उसी में ही आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, अदर ऐसा लोकल या फिर जो रजिस्टर्ड नहीं है उनमें आपको ये कवर नहीं दिया जाएगा, जो रजिस्टर्ड है वही कवर दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हेल्थ चेकअप, मतलब हेल्थ चेकअप में क्या होता है दोस्तों, हेल्थ चेकअप में आपको 2000 तक का बेनिफिट है। अब इसमें क्या बेनिफिट आपको नहीं है कि अगर समझ लीजिए कि आप 2 साल के अंदर दोस्तों, अगर 2 साल तक आप क्लेम नहीं करते हो, कोई आपको कोई बीमारी नहीं होती, आप स्वस्थ होते हैं, लेकिन आपने प्रीमियम भरा है, तो आपको दूसरे साल के बाद आपको एक ये मिल जाता है कि 2000 तक का चेकअप फ्री में मिल जाता है। चेकअप फ्री में मिलता है, 2000 रुपये नहीं मिलते, चेकअप फ्री में नहीं, चेकअप फ्री में होता है लेकिन आपको पैसे नहीं देने पड़ते। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो प्रीमियम है उसकी प्राइस है 7605 और ये आपको 31st डे से कवर होएगी प्रीमियम लेने के बाद। और आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो मैंने पढ़ के पता आपको बताया है, ये उनके कैटलॉग में लिखा हुआ है जो कि क्या क्या उन्हें बेनिफिट दे रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट नहीं देती है टाटा AIG, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये अगर वीडियो पसंद आएगी तो हमारे लाइक को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई क्वेश्चन रहेगा तो ज़रूर पूछिएगा।